फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी। हेल्दी तो है ही, साथ में ये हमें ठंड से भी बचाएगी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करेगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी स्वीट्स बनके तैयार हुई हैं। सर्दियों में वैसे भी हमारा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो ये रेसिपी आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। घर में आसानी से जो सामान मिलता है उसी से मैंने बनाया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। देखते हैं कैसे मैंने बनाया। अब गोंद गुड़ पापड़ी बनाने के लिए हमने लेंगे सबसे पहले फ्राई पैन, और उसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच घी। यहाँ पे मैं डाल दूंगी घी, घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये है एडिबल गम। ये गोंद होता है, इसका सेवन हमें सर्दियों में करना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसके साथ साथ ये हमें सर्दी से बचाता है। इससे हमारे स्वीट में अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही फायदेमंद होता है, सर्दियों में हमें इसका सेवन करना चाहिए। डाल देंगे 100 ग्राम के करीब ये गोंद, इसे हिंदी में गोंद भी कहते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे गोंद और उसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। ये फ्राई होके ये देखिए कितने अच्छे से फूट रहे हैं, सभी ऐसे ही फूट जाएंगे। सर्दियों में लगभग ये स्वीट हर जगह बनता है, लेकिन बनाने का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और राजस्थान में गोंद के लड्डू बनते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात की रेसिपी है गोंद गुड़ पापड़ी। तो इसमें भी देखिए हम गोंद का यूज़ करेंगे, ये अच्छे से पॉपअप हो जाएंगे, सारे फूट जाएंगे। आप इसे घी में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा इसे घी देके, एक चम्मच घी देके इसे तुरंत एक मिनट में ये सारे तैयार हो जाएंगे। लगातार हम चलाते रहेंगे, अभी गोंद जो है अच्छे से फूट चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई पैन हमारा गर्म ही है, उसी में हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम घी, घी को गर्म होने देंगे। झटपट से बनने वाली स्वीट है ये, सर्दियों में वैसे भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो आप ये बना के रख दीजिए और जब भी मन करे खाइए, सेहत भी बनाएगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा हमारी। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा। अगर कप से नाप के लें तो 1.5 कप घी में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। इसको हम धीमी आंच पे अच्छे से भुनेंगे, बस इसमें इतना ही है, आटे को हमें अच्छे से कम आंच पे भुनना है, इतना ही मेहनत करना है हमें। आटा भुन जाएगा तो हमारा स्वीट झटपट से तैयार हो जाएगा। कई बार हो सकता है घी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो हमारे आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा आटा मोटा होगा तो घी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, और बारीक होगा तो घी थोड़ा कम लगेगा। धीमी आंच पे हमें धीरे धीरे इसे भुनना है। आटा जब अच्छे से भुन जाएगा तो वो घी भी रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। देखिए धीमी आंच पे लगातार भून रही हूँ मैं इसको, इसको भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए। इसी तरीके से चलाते हुए हम इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। इसको भूनने में करीब करीब 10 से 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि जितनी धीमी आंच पे अच्छे से हम इसे भूनेंगे ना, उतना ही हमारी बर्फी जो है अच्छी बनेगी, पापड़ी जो है। जब तक हमारा आटा भून रहा है, हम एक थाली प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें हम अपनी गुड़ पापड़ी सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली ले ली है, उसमें मैं अच्छे से लगा दूँगी घी। आप थाली की जगह कोई भी कंटेनर, केक टिन, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से मैंने ग्रीस कर दिया, अब हम इसे एक साइड रख देंगे। गोंद भी ठंडा हो गया, इसे हम एक मिक्सी जार में डालेंगे। और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए 1 मिनट में ही हमारा गोंद जो है पिस गया है, अब हम इसे एक साइड रख देंगे।
और आटे को भून लेंगे। देखिए इसको भूनते हुए करीब करीब 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप चाहे तो इसे मीडियम आंच पे भी भून सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कम आंच पे भूनने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आटा जो है अच्छे से भूनता है। इसको भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए, आटे ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया। ये ऐड कर देंगे ड्राइड जिंजर पाउडर या सोल्ट का पाउडर भी बोलते हैं इसको, 1 चम्मच, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। देखिए आटा हमारा भून चुका है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोन फ्राई करके पीस के रखा है, इसको भी इसी में मिला देंगे। मैंने इसी में सारे डाल दिए। अब इसको भी हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से गोंद को मिला देंगे। झटपट से बनने वाला है ये रेसिपी, बस आटा भूनने में हमें थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद भी हम इसे चलाते रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि पैन जो है हमारा बहुत गर्म है अभी, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आटा जो है नीचे से जल जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जितना हमने घी लिया, 150 ग्राम, आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं, यहाँ मैं 150 ग्राम ही ले रही हूँ। गुड़ को अच्छे से हमें बारीक बारीक कर लेना है, या तो कद्दूकस कर लीजिए, चाकू से इसे काट लेंगे बारीक। अब हम ऐड कर देंगे गैस बंद करने के बाद में, फिर से बोल रही हूँ गैस बंद कर चुकी हूँ मैं, गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़, इसको अच्छे से हम इसमें मिलाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ गुड़ को अच्छे से हमें कद्दूकस का लेना है, ताकि आसानी से ये इसमें मिल जाए। जब हम इसे मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएगा, अगर कोई भी टुकड़ा रहेगा तो वो मिलने में दिक्कत करेगा। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ डाला है, आप चाहे तो जितना आटा ले उतना ही गुड़ ले सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना, हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे सेट होने के लिए रख। देखिए मैंने गुड़ को मिक्स कर दिया अच्छे से, गुड़ अच्छे से मिल गया आटे में। अब हम इसे सेट करेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे इस तरीके से हम अच्छे से प्रेस करते हुए दबा देंगे। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बर्फी का सभी तरफ हम इसे दबा देंगे। गरम गरम में ही हमें ये करना है, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, इसलिए हमें किसी भी कटोरी के हेल्प से हम इसे बराबर कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये सभी तरफ से इवनली हो जाए, ताकि स्वीट जो है हमारा सभी तरफ से इवनली बने। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे काट लेंगे पीसेज में। इसे हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, अगर ज़्यादा ठंडा कर देंगे ना तो हमें काटने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा कट रही है। आप चाहें तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बादाम को काट के ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, लेकिन आज मैंने सिंपल ही बनाया है। वैसे ये बहुत हेल्दी बनता है, बहुत स्वादिष्ट भी बनता है। अब इस तरीके से मैं इधर से भी काट दूंगी। देखिए इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं इसका, या तो लड्डू बना सकते हैं या ऐसे ही चूरमा भी खा सकते हैं। मैं अभी आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा हमारा गोंद गुड़ पापड़ी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बना है। तरीके से बना के आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।